गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ में लेसन नंबर 16 चोरी के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है यशपाल जैन। यशपाल जैन का जन्म हुआ था सन 1912 में और मृत्यु हुई थी सन 2000 में। आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अजंता, एलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ हैं। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए, हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए, ऐसा लिखा है यहाँ। हम जो खाते हैं वह नौकर को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ नौकर की ये पूरा लेसन है, नौकर पर आधारित है कि नौकर के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ लेसन में लिखा है कि कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे। जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब वरांडे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी बंधी है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु? यहाँ बिंदु है वो नौकर है और घर की मालकिन का नाम मालती है। तो मालती को बिंदु पर डाउट था, शक था कि वह जो बिंदु है वह कचरा घर का सब कुछ कचरा साफ करता था। तो घर के कचरे में से उसने जो बिंदु घर का जो कचरा साफ कर रहा था और वह घर का सब कचरा बाहर निकालते समय उसने देखा कि हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी जो है वो बंद है। कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई। मालती को लगा कि हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है मुट्ठी में बंद करके। उसने कहा कि बिंदु? दो कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो, ऐसा लगा कि बिंदु ने कुछ आवाज़ सुनी ही ना हो, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा व्यवहार किया बिंदु ने। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई। मालती ने बिंदु नौकर को बुलाया तो उसकी चाल में तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर कहाँ जाता है? मालती ने पूछा कि बिंदु, ओ बिंदु, ठहर कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, ठहर, रुक। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए वह सब काफ़ी था। मालती को डाउट के लिए सब काफ़ी था। उसे तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है। मालती है अपने पति को बुला रही है कि सुनते हो जी, ये नौकर बिंदु कुछ हाथ में लिए जा रहा है मुट्ठी में, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा है। मालती के पति का नाम नंदन है यहाँ, घर का मालिक है। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। अपने पत्र में मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा।
नंदन को, और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब ना उस बात को जाने दे, ऐसा चाह रहा था नंदन, मगर मालती मानती नहीं थी। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। ऐसा मालती है और नंदन से कह रही है कि देखो बिंदु, कुछ नौकर बिंदु है, मुट्ठी में कुछ दबाए हुए ले जा रहा है। नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ कर उठा लिया हो वो उठा। नंदन ने अपने जो कुछ पत्र में लिख रहा था वो पेन अब एक और रख दी और जबरदस्ती पकड़ कर उठ लिया हो वैसे वह उठा। नंदन कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। कमरे में से बाहर गया तो देखा तो बिंदु वहाँ से बाहर से लौट कर घर में आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लड़का है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी, क्यों नहीं बिंदु के बच्चे में गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, ऐसा मालती कहती है नौकर बिंदु को। बोल हाथ में क्या ले गया था, हाथ में मुट्ठी में क्या बंद करके ले जा रहा था बाहर। बिंदु का चेहरा फक, बिंदु उदास था, नाराज था, बोला कुछ नहीं बीबी जी, झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था। मालती कहते झूठा कहीं का, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं, मैं बुलाती थी तब तू रुका क्यों नहीं, ऐसा मालती कहती है नौकर बिंदु को। मालती ने रोष पूर्ण स्वर में पूछा, मालती ने गुस्से के स्वर में क्रोध में पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, बिंदु बोल नहीं पा रहा था, नौकर बिंदु यहाँ बोल नहीं पा रहा था, कहे तो क्या कहें। तब नंदन आगे बढ़ा, मालती का पति बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। तब नंदन आगे बढ़ा और बिंदु नौकर को प्रश्न पूछता है, बोलो घबराओ नहीं, बोला घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। तो यहाँ बिंदु नौकर कहता है कि सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू ही थे और कूड़ा था, कचरा और झाड़ू ही था और कुछ नहीं। फिर वही झूठ, मालती ऐसा कहती है। मालती ने चिढ़ कर कहा, इसे पुलिस में दे दो, उसको पुलिस के हवाले कर दो, ऐसा मालती कहती है। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं, इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसलिए कि चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। इस बेईमान के ऊपर हमने घर छोड़ दिया है इसकी जिम्मेदारी पर, और सब चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। नंदन ने मालती को शांत कर रहा नंदन ने मालती को कहा, शांत रह, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, असलियत जानने का ये तरीका, ये सिस्टम नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया नंदन ने, और कहा मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या ले गए थे, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ठीक ठीक बताओ तुम क्या ले जा रहे थे मुट्ठी में बंद करके। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा, और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, नंदन ने इतना पूछा वो आग्रह रहा था तो उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ लिया है। नंदन ने कुछ बिंदु ने कहा नौकर बिंदु ने नंदन से अपने मालिक के से मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिंचा नहीं, नंदन फिर भी गुस्सा नहीं हुआ, बोला अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंका यार। नंदन ने कहा कि अच्छा बिंदु को कि अच्छा चल देखो तो तूने कचरा कहाँ फेंका आया है बाहर। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने
वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। वहाँ जहाँ कूड़ा फेंका था बाहर वहाँ जगह देखी नंदन और मालती ने, मगर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। नंदन ने कहा, बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा? नंदन ने कहा, बिंदु नौकर बिंदु को बिंदु यूँ हैरान करने से क्या होगा? बात क्यों नहीं देता कि क्या लाया था? ऐसा नंदन ने बिंदु से पूछा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं, अगला पेज हम अगले दिन समझेंगे।